बीएससी इसके अंदर फर्स्ट ईयर में इसके अंदर आज बात करते हैं दो टर्म्स मुख्य रूप से, एक होते हैं प्रोटोस्टोमिया, दूसरा होता है निक्टेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और निक्टेरोस्टोमिया, ये टर्म्स क्या होती है? प्रोटोस्टोमिया इसके अंदर या न्यूट्रोस्टोमिया में क्या अंतर पाया जाता है, कौन कौन से जंतु इसके अंतर्गत आते हैं, ये जंतु में पाई जाती है मुख्य रूप से। तो प्रोटोस्टोमिया की बात करते हैं तो जब जंतु का परिवर्तन होता है, जंतु के निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहले निषेचन, फिर विघटन पाया जाता है, उसके बाद में विघटन के बाद में मोरूला बनता है, उसके बाद में ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला इसके अंदर कह सकते हैं जब बनता है उस दौरान इसके अंदर उसमें एक ब्लास्टोपोर या कोरक रंध्र नामक संरचना का निर्माण होता है। तो कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर से जब इसके अंदर उस इसके अंदर भाग से माउथ बनेगा और दूसरे किनारे से गुदा बनता है, तो पहले यदि माउथ बनता है तो उसे इसके अंदर प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है, और पहले यदि एनस बनता है, गुदा का निर्माण पहले होता है तो इसके अंदर दूसरे किनारे पर माउथ बनेगा, और पहले माउथ का निर्माण होता है तो बाद में इसके अंदर दूसरे किनारे पर गुदा या एनस का निर्माण होता है। तो माउथ का निर्माण पहले, एनस का निर्माण पहले, इसके आधार पर इसके अंदर उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जो तो प्रोटोस्टोमिया में इसके अंदर वह जंतु आएंगे जो कि प्रोटोजोआ से लेकर मोलस्का तक, और न्यूट्रोस्टोम जो होते हैं इसके अंदर उसमें सभी कशिर, एक तो इकाइनोडर्मेटा और इसके अंदर कशिर होते हैं, कॉर्डेट या कशिर की जंतु इसमें आते हैं, और इकाइनोडर्मेटा जो होता है इसके अंदर जो कि इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी की जंतु का संघ है वह भी इसके अंतर्गत आता है। तो जो जंतु इसके अंदर प्रोटोजोआ से लेकर मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा जो इसके अंदर प्लेटिअल्मन्थीस एस के अल्मन्थीस सभी प्रोटोस्टोम में आएंगे, और इकाइनोडर्मेटा और कशेरुकी की जंतु आपके इसके अंदर न्यूट्रोस्टोम में आएंगे। अब इसके अंदर नेक्स्ट टर्म्स या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है जैसे आपको इसे कहा जाता है पंच जगत अवधारणा, या जिसे कहा जाता है फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट। पंच जगत अवधारणा या फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है? जैसा कि इसके अंदर कल आपको बताया गया था, इसके अंदर पृथ्वी पर दो प्रकार के जगत इसके अंदर पहले बनाए गए थे। उस समय इसके अंदर कह सकते हैं वैज्ञानिक जो इसके अंदर इस बारे में नहीं जानते थे कि उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, बड़े तौर पर इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य लक्षण उनको पता नहीं थे, या इसके अंदर जैसे आइडिया था तो इसके अंदर उसके बारे में इसके अंदर विभिन्न प्रकार से इसके अंदर उसके बारे में पता नहीं लगाया गया था। इस आधार पर पंच जगत अवधारणा जो पाई जाती है उसको इसके अंदर कह सकते हैं बनाने की जरूरत पड़ी, जिसमें पांच मुख्य जगत पाए जाते हैं। सबसे पहले क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पहले जंतु जगत और पादप जगत थे, तो बैक्टीरिया या जीवाणु को पादप के साथ रखना या इसके अंदर जंतु के साथ रखना, प्लांट के साथ या एनिमल के साथ रखा जाता है इसके अंदर जब जीवाणु या बैक्टीरिया जो कि एक कोशिका के होता है, और ये इसके अंदर उच्चतर कशेरुकी जंतु होते हैं। जैसे जंतु हैं तो वह उच्चतर इसके अंदर कशेरुकी या अकशेरुकी जंतु होंगे, उनको इनके साथ रखना, और पादप जो कि इसके अंदर यूकैरियोटिक होते हैं, विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, उनको बैक्टीरिया जीवाणु के साथ में नहीं रखा जा सकता। इसके कारण एक तो सबसे बड़े अलग जगत बनाने की जरूरत पड़ी, दूसरा इसके अंदर फंजाई जिसमें कोशिका वृद्धि पाई जाती है भोजन इसके अंदर अवशोषण के द्वारा करती है, लेकिन यह इसके अंदर पादप के समान होती है क्योंकि इसमें भी कोशिका वृद्धि पाई जाती है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि कोशिका वृद्धि पाए जाने के कारण प्लांट में भी पाई जाती है, लेकिन पादप में इसके अंदर वहां पर इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण इसके अंदर पाया जाता है जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है, लेकिन वह क्रिया इसके अंदर फंजाई में या कवक में अनुपस्थित होती है। तो दोनों को इसके अंदर कह सकते हैं फंजाई या पादप को साथ में नहीं रखा जा सकता, इसके कारण पांच अलग अलग बनाने की जरूरत जगत को बनाने की जरूरत पड़ी थी। पहले फंजाई को भी इसके अंदर प्लांट के साथ रखा जाता था, बैक्टीरिया को पादप या जंतु के साथ रखा जाता था, प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा जो जगत है
उसको भी पहले इसके अंदर या प्रोटोजोआ के जंतु को भी उसके साथ रखा जाता था, जंतु जगत में ही रखा गया प्रोटोजोआ से लेकर सभी कशेरुकी जंतु। इस कारण दो अलग अलग जगत जो इसके अंदर है वह पांच जगत में उसको विभाजित कर दिया गया। इस वर्गीकरण का आधार सबसे पहले क्या होता है, इसके द्वारा दिया गया था वर्गीकरण इसके अंदर, या कहा जाता है इसके अंदर पंच जगत अवधारणा के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था इसकंद, इसको वर्गीकृत करने का पांच अलग अलग जगत में वह दिया गया था 1969 जो कि दिया गया था वैज्ञानिक आर एच बी टेकर। आर एच बी टेकर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके अंदर यह कॉन्सेप्ट दिया था, आर एच बी टेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, वर्गीकरण में कौन कौन से इसके अंदर मुख्य बिंदु थे, पंच जगत अवधारणा के क्लासिफिकेशन का या वर्गीकरण का क्या आधार था, तीन मुख्य बिंदु थे इसमें। इसमें अलग अलग जो जीव पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा हो या बैक्टीरिया हो या कवक हो या पादप हो या जंतु, उनको इसके अंदर सबसे पहले तो वह कैसे हैं, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, जंतु इसके अंदर एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, या इसके अंदर कह सकते हैं जंतु यूनिसेलुलर या जिसे कहा जाता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, या सेकेंड इसके अंदर वर्गीकरण का आधार या बेसिस क्या होती है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोटिक है। थर्ड इसके अंदर होता है पोषण किस प्रकार का है, या कह सकते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है इसके अंदर पोषण, इसका अर्थ यह है कि इसके अंदर भोजन अपना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा, या इसके अंदर जंतु दूसरे जंतु पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, या कुछ इसके अंदर जैसे फंजाई होती है वह दूसरे खाद्य पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर रहती है। जंतु जो होते हैं इसके अंदर वह अन्य जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं जो दूसरे जंतु पर भी निर्भर रहते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वह मनुष्य पर भी निर्भर रहते हैं, अन्य जंतु पर भी निर्भर रहते हैं, कवक और सब, तो सभी में अलग अलग प्रकार का जो पोषण पाया जाता है वह वर्गीकरण का भी इसके अंदर एक मुख्य आधार था, अलग अलग जंतु में अलग अलग प्रकार का पोषण या न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसका अर्थ है इसके अंदर एक प्रकाश संश्लेषण या सेकेंड इसके अंदर हो सकता है अवशोषण, एक होता है अंतर्ग्रहण, फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन, थर्ड इसके अंदर हो सकता है इंजेशन, इंजेशन अंतर्ग्रहण भोजन को अंदर लेने की क्रिया, माउथ के द्वारा भोजन को अंदर लेने की क्रिया, या अवशोषण या फोटोसिंथेसिस। तो तीन मुख्य इसके अंदर आधार थे इसके अंदर वर्गीकरण के, या दो जगत को पांच अलग अलग जगत में या फाइव किंगडम में इसके अंदर डिवाइड करने का, ऑन द बेसिस ऑफ इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अपर विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, यस थर्ड टाइप इसके अंदर है इंजेक्शन या माउथ के द्वारा भोजन को अंदर लेने की क्रिया जिसको कि अंतर्ग्रहण कहा जाता है। तो ये तीन मुख्य आधार थे, तीन को इसके अंदर कह सकते हैं, या दो जो मुख्य जगत थे उनको पांच इसके अंदर अलग अलग जगत में बनाने की जरूरत कैसे पड़ी थी। तो ये मुख्य इसके अंदर कह सकते हैं जो कि 1969 में आर एच बी टेकर के द्वारा दिया गया था। इसमें पांच मुख्य जगत कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, नेक्स्ट इसके अंदर होता है प्लांटी, एनिमेलिया। पांच अलग अलग इसके अंदर जगत जो है मोनेरा से लेकर सबसे अंत में इसके अंदर जो आते हैं इसके अंदर जगत के अंतर्गत वह एनिमेलिया होता है। मोनेरा सबसे लोअर इसके अंदर ये सबसे पहला जो जगत है,
एनिमेलिया सबसे अंत में या सबसे लास्ट में जो जगत होता है इसके अंदर उसके बारे में होता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं फाइव किंगडम या इसके अंदर जंतु पाए जाने वाले जीवों को पांच अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसे इसके अंदर जगत जो कि इसके अंदर मोलेर से लेकर एनिमेलिया तक पाए जाते हैं, मुख्य लक्षण या वर्गीकरण का आधार तो तीन मुख्य लक्षण होंगे। उसके अलावा इसके अंदर इसमें किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, किसमें अनुपस्थित होती है, किसमें जनन पाया जाता है, किसमें लैंगिक जनन होता है, किसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन होता है तो उसका कौन सा प्रकार है, लैंगिक जनन में इसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जैसे निषेचन की क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जायगोट बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है और फिर उसका डेवलपमेंट होता है। अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं मोनेरा से लेकर एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले जंतु। तो इस प्रकार से इसके अंदर कहा जा सकता है कि इसके अंदर कोशिका भित्ति के आधार पर, पोषण के आधार पर, जनन के आधार पर, उसमें गमन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, मूवमेंट होता है या नहीं होता है, इस आधार पर भी उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जंतु में इसके अंदर कोशिकांग उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, जैसा कि कल भी बताया था प्रोकैरियोटिक है उसमें सभी कोशिकांग उपस्थित इसके अंदर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं इसके अंदर या इसके अंदर उसमें नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में इसके अंदर कोशिकांग सभी पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो मुख्य रूप से इसके अंदर प्लांटी या पादप में पाई जाती है, लेकिन अन्य किसी भी इसके अंदर कह सकते हैं जगत के जंतु में नहीं पाई जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके अंदर केवल प्लांटी या पादप में पाई जाती है, इसके कारण उन जंतु को स्वपोषी कहा जाता है। बाकी सभी जो जंतु होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, और जो जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है उन्हें विषमपोषी या इसके अंदर कह सकते हैं हेटरोट्रॉपिक कहा जाता है, या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं हेटरोट्रॉपिक कहा जाता है, और जिसमें पाई जाती है उनको स्वपोषी या इसके अंदर इसको ऑटोट्रॉपिक जंतु भी कहा जाता है। तो इस आधार पर पूरा वर्गीकरण इसके अंदर किया जाता है। पूरा इसके अंदर वर्गीकरण का जो चार्ट है आपको टेबल फॉर्म में इसके अंदर उसके जो उदाहरण या मुख्य जो लक्षण है या किस किस आधार पर इसका वर्गीकरण इसका जगत का किया गया है इसके अंदर 8 से लेकर 9 बिंदु में इसके अंदर आपको उदाहरण सही बताएंगे।